नोपी का नोपी और ए यो ही हेलो डीजी क्रश पूछ तो आचाल मोटा भालू बनने का टीचर नोपी का नोपी और हमें कौन सा टीचर बनना चाहिए ए आलू मोटे भालू हमें शायद मैडम बननी चाहिए ना 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 हम लोग सर बन जाते हैं प्रिंसिपल वाले सर ए आलू मोटे भालू वैसे ये सर तो मुझे गोचू जैसा लग रहा है हां गोचू जैसा लग रहा है लगता है कि इसको पढ़ना ही नहीं आता होगा ये क्या टीचर बनेगा अरे मैं हूं बनूंगा टीचर हट जाओ नोपी का नोपी और बोलू बनेगा टीचर ऊपर चलो कभी खुद ने किताब एक भी पढ़ी नहीं है ऊपर चलो वो दूसरों को क्या पढ़ेंगे अब क्या होगा इन बच्चों का उज्जवल भविष्य अरे मैं प्रिंसिपल बन गया ओके तो क्लास शुरू हो चुकी है ए हाँ ना हम लोग सवाल पूछेंगे तो बच्चों ये बताओ कि गुलाबी कलर का कौन सा चुकी एनिमल है लगता है वो लड़की बताएगी ऑरेंज बाल वाली ए हाँ ना बता कौन सा है अरे ये तो काव बोल रही है अरे ये तो गलत है मैं जो की राइट पे टिक करता हूँ मतलब गलत वाला अब इस लड़की से पूछते अरे इसने तो सही जवाब दिया फ्लेमिंगो आलू मोटे बालू टिक कर दो इसे पास कर दो इसने सही जवाब दिया होशियार है ये लड़की ए है ना आगे जाएगी और जो की बताओ कि लोल का सही जो की मतलब क्या है अरे इसने बोला लाइव से ओल्ड लाइव से ये मतलब है क्या आलू मोटे बालू और मुझे भी नहीं पता लोल का मतलब क्या है ए आलू मोटे भालू तुमने तो सही से टिक कर दिया लगता है तुमने गलत टिक कर दिया और मुझे क्या पता था मुझे लगा कि यही वाला सही है ये बच्चा यहाँ पे क्यों खड़ी है ए आलू मोटे भालू ये पेपर लेके खड़ी है हाँ हमें ऐसे जो कि सही से देखना है इसने केट तो सही से लिखा है लेकिन ये डॉग की जगह इसने हिप्पो क्यों लिखा है ए और एलिफेंट तो इसने सही लिखा है इस पे टिक कर देते मैं टिक कर देता हूँ ये टिक कर दिया अरे ब्रेड मार्केटिंग और मैंने जो कि सही तो लिखा था ए आलू मोटे भालू तुमने हिप्पो पे टिक कर दिया था हाँ इसलिए अरे इसने गाजर को क्या लिखा है गबेज अरे इसने गाजर को तो सही से नहीं लिखा और इसने कार को तो सही से लिखा है चलो टिक कर देता हूँ और इस पे जो कि खड़ा जो कि इस पे कैंसिल कर देता हूँ ए आना इसे डी प्लस मिला है हाँ अरे इसने क्या लिखा है वाग शेर को जो कि सिप लिखा है पागल है कि ये बच्चा लगता है मानसिक संतुलन हिल चुका है अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना हाँ अर्पिस को तो सही लिखा है ईफिल टावर को गलत क्यों बोल कर दिया आलू मोटे बालू अरे मुझे लगा कि सही से नहीं लिखा होगा ए आलू मोटे बालू इसलिए बेड मार्किंग की मजा से हमें जो कि बहुत ज्यादा कम सैलरी मिली हाँ बहुत ज्यादा कम सैलरी मिली तुम्हारी मजा से आलू मोटे बालू अगली बार अच्छे से करना अरे ये हमें पेंसिल क्यों साफ करनी पड़ रही है ए आलू मोटे भालू हम लोग इतनी छोटी पेंसिल कर देंगे इतनी छोटी पेंसिल कलर देंगे इतनी छोटी पेंसिल कलर देंगे कि किसी ने सोची ना होगी हम लोग पेंसिल को बहुत ज्यादा छोटी कर देंगे छोटी कर देंगे छोटी कर देंगे अरे मैं भी छोटी कर देता हूँ रुको इतनी छोटी कर दूंगा बिल्कुल छोटी कर दूंगा पेंसिल ये देखो वापस से छोटी कर दी ए आलू मोटे भालू तूने तो कुछ ज्यादा ही छोटी कर दी बेचारा लिखेगा कैसे अभी हम लोग जो कि बाहर आ चुके हैं बच्चों को देखने के लिए ये बच्चा क्या कर रहा है तू यहाँ पे ओ सर मैं तो यहाँ पे अपनी बुक्स लेने आया था ओके तो तुम भी जा सकते हो ए हाँ ये बच्चा सही लग रहा है हाँ ये जो कि बदमाश बच्चा नहीं लग रहा है ये बेचारा बुक लेने के लिए आया तुम जा सकते हो और वो जो कि लड़की क्या कर रही है यहाँ पे अरे हाँ देखते है ए आलू मोटे भालू ये तो दूसरों का टिफिन चुरा के खा जाती है हाँ बेचारे मासूम बच्चों का इसे मजा चखाना होगा चलो फिर मजा चखाते हैं नो फेकर नो प्यार स्प्रे स्प्रे करेंगे ये ले लड़की हाँ मुझे मारा प्रिंसिपल सर ने मारा टीचर ने हाँ मैं मम्मी को बता दूंगी अरे जब टिफिन चुरा तब नहीं बताया क्या और ये बच्चा क्या कर रहा है ए क्या रे सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा था अरे बेचारे मासूम बच्चों को बुली कर रहे हो उसे मार रहे हो ए आलू मोटे भालू से जोर का झटका दे दिया मैंने हाँ अपनी बुली सुपर सची यादव पर ही बेचारे मासूम बच्चों को कभी परेशान नहीं करेंगे ओ नो फिकर नो प्यार और हमारी सैलरी भी मिल चुकी है हाँ वैसे इतनी मिली बस इतनी मिली हमने अच्छा सबक सिखाया दो बच्चों को अरे इसने तो यूएसए डॉलर का सिंबल सही से लगाया है ओके तो हम लोग इस पे टिक कर देते हैं ए है ना इसे ए प्लस मिल गया और इसने क्या लिखा है अरे ड्रे द ब्रिटिश पाउंड सिंबल ये तो मुझे भी नहीं है पता कौन सा होता है मैं तो जो कि बेड मार्किंग कर देता हूँ अरे बालू बुलबुलो सही से क्यों नहीं किया तुम्हारी मदद से बेड मार्किंग मिली ए इसने तो सही से ड्राइंग किया है हाँ फायर ब्रिगेड जो केट को बचाता है ओके तो हम लोग इस पे टिक कर देते हैं मैंने टिक कर दिया है इसे ए प्लस मिल गया होशियार है ये बच्ची ए है ना आगे जाएगी अभी देखते हैं आगे कौन है अरे ये तो चिंटू है ए जल्दी सर जी ये देखो मेरा जो ड्राइंग पेपर इसने ब्लाइंड बॉल को सही से लिखा है ए है ना तो टिक कर देते साइकिल को भी टिक कर देते टेनिस को भी अरे ये क्या बेड मार्किंग क्यों आया अरे हमने तो सब सही से किया था फिर भी अरे ये कौन है
अरे थल में तिंतू मेला तेत कहता है। अरे अमेरिकन फुटबॉल ये तो सही लग रहा है, स्केट बोर्ड भी सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है। ए हेलो मोटे भालू, बेड मार्किंग क्यों आ रही है बार बार? हाँ लगता है तुम्हें सही से आता ही नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट बॉल की जगह इसने ये बॉल लग दिया है। पागल जो किलर की है ये ऑरेंज बालों वाली, अमेरिकन फुटबॉल इसे थोड़ी ने कहते है। ये भी सब गलत है, सब गलत है। नो फिकर नो फियर, ओके सब गलत है, तुम फेल हो चुकी हो, दोबारा आना और अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ आईएएस आईएएस बनो पढ़ाई करके। लगता है हमारा क्लास शुरू हो चुका है, एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। ए आना कौन चीटिंग करता है उसे ढूंढना पड़ेगा। अरे देखो वो काला लड़का चीटिंग कर रहा है, उठ जा काले लड़के, चीटिंग कर रहा है तू। हाँ चीटिंग कर रहा है रे बाबा, और कौन चीटिंग कर रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखो लाल टी शर्ट वाला चीटिंग कर रहा है। अरे ओ चीटिंग करता है, चीटिंग 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 करता है। ए आलू मोटे भले, हमें किसी को नहीं छोड़ना चीटिंग करने से। अरे वो देखो एक और चिल्लर का कर रहा है चीटिंग। अरे चीटिंग करने की हिम्मत कैसे ही मेरे सामने। नो पिकर नो फियर, ऐसी बैंड बजा दूंगा कि किसी ने सोची ना होगी, मार मार के तुम्हारी धज्जियां उड़ा डालूंगा। अबे बच्चे तुझे वापस आ गया, अब वापस से मुझे इनका पेपर देखना पड़ेगा, दिमाग की दही बना देते, सब गलत है, सब बेकार है, सब ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, सब कैंसिल, तुम एकदम बेकार हो। मैं मम्मी को बता दूंगा मेरे सही आंसर को गलत कर दिया। और ये क्या लाया? अरे इस लड़की ने भी पागल ने सब गलत कर दिया है। अरे वैसे आलू मोटे भालू तुम्हें इतना ज्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए। ए है ना बेचारे बच्चों पे ध्यान से जो की अच्छे से बात करो, हाँ उन्हें जो की मोटिवेट करो। अरे मैं जो कि आइसक्रीम तो इसने सही लिखा है, लेकिन ये पिकल क्या है? ए हमें भी नहीं पता। हाँ और ये पियर क्या है ये भी नहीं पता हमें, जो कैंसिल कर देते इसे। अरे बैड मार्किंग बार बार क्यों आ जाती है? अरे मुझे दिमाग खराब कर देते हैं। ओके तो घंटी बज चुकी है, अब कितनी सैलरी मिली? हाँ अभी भी बहुत ज्यादा कम सैलरी मिली। ओके तो अब वापस से हमें चीटर को पकड़ना होगा। अरे चीटिंग कौन कर रहा है बार बार, दिमाग खराब कर देता है चीटिंग करके। अबे बच्चे निकल जा, चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारे पापा मम्मी को बता दूंगा मैं। ए आलू मटे बालू ऑरेंज बाल वाली लड़की भी कर रही है। अरे बाहर निकल जाओ, तुम पकड़े चुके हो। अबे हमारे सामने बैठ बैठ कर चीटिंग कर रहे हैं, इतना डर नहीं लगता? अबे ये भी देखो ये कर रहा है चीटिंग, अभी तुम्हें मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। आलू मोटे बालू कंट्रोल कंट्रोल, हाँ थोड़ा शांत रहो, उन्हें अच्छे से समझाओ, समझ जाएंगे। अरे ये वापस से लेके आई, अरे ये सिनेमा टिकट है क्या? ए आलू मोटे बालू तुमने उस पे टिक क्यों कर दिया पागल कहीं के? अरे वो सिनेमा टिकट लिखा होना चाहिए, वहाँ पे सिनेमा टिकट होनी चाहिए, तो तुमने जो कि वहाँ पे ग्लास लिखना चाहिए तो उसने सिनेमा टिकट लिखा है, और यहाँ पे गोबली लिखा है, सब गलत है। अरे बैड मार्किंग डाई मेरी वापस से है, क्योंकि तुमने सही से नहीं किया। हाँ यहाँ पे मूवी प्रोजेक्ट इसे कैंसिल करो, हम करते हैं बुलबुले से ऊपर, सबसे ज्यादा ऊपर, बेस्ट टीचर है बुलबुले। ए है ना आलू मोटे भालू तेरी तरह नहीं, देखा ना हमने एकदम सही से जुगी कर दिया। हाँ उसे डी प्लस मिल गया। अरे इसने पॉपकॉर्न की जगह ये अरे वहाँ पे वो उस पॉपकॉर्न लिखा है उसने, और यहाँ पे ड्रैगन की जगह ई एल एफ लिखा है, और यहाँ पे कॉमेडी फिल्म लिखना चाहिए, मतलब दूसरा लिखना चाहिए मुकुट, तो वहाँ पे कॉमेडी फिल्म लिखा है। है ना ये भी जो कि हमने सही से कर डाला। अरे दोस्तों यहाँ पे भी चीटिंग चल रही है, देखो उस लड़की को हमने पकड़ लिया वापस से, ऑरेंज बाल वाली बहुत ज्यादा चीटिंग करती है। अरे वापस से आ गई है, अरे चीटर कहीं की बाहर निकलो। ए हन्ने आलू मोटे भालू ये चीटिंग क्यों करते हैं? हाँ देखो एक और चीटर 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 राज आजा सामने, ये अभी पकड़ लिया बुलबुले सुपर सबसे ज्यादा ऊपर, पकड़ लिया पकड़ लिया, ये मजा आ गया। नो फिकर नो फियर, हम लोग तो बन गए बेस्ट टीचर यार। आलू मोटे भालू हमें न्यू आउटफिट भी मिला है। अरे ऐसा भंगार जैसा आउटफिट क्या करेंगे? अरे हमें अब बोर्ड साफ करना पड़ेगा क्या? अरे वही तो, अब हमें बोर्ड साफ करना पड़ेगा, पता नहीं आके चपरासी किधर गए, लगता है छुट्टी करने गए होंगे, अभी हमें ही साफ करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं मैं करूंगा, नो फिकर नो फियर, मैं सारा बोर्ड साफ करके रख दूंगा यार। आलू मोटे भालू हमने तो बोर्ड भी साफ कर लिया। हाँ साफ कर लिया। ओके तो बच्चों अब बताओ मेरा जो कि सवाल, कौन सा एनिमल जो कि हमारे स्कूल जैसा लिखता है? हाँ कौन सा लगता है हमारे स्कूल के अंदर, बर्ड बोल रहा है ये तो। बर्ड बर्ड हमारे जो कि स्कूल में फिरता है क्या? पता नहीं हमें, चाहे तो हमें नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं फिरता। सही आप दो चश्मे वाले बच्चे, और उसने जो कि सही दिया था। ए आलू मोटे भालू उसने गलत जवाब दिया था, तुमने उसे टिक कैसे कर दिया? अरे मुझे लगा सही था। ए आलू मोटे भालू खुद तो सीख रहा है यहाँ था। अच्छा बच्चा बताओ कि थर्मामीटर किस डिवाइस पे जो कि यूज होता है?
अरे इसने सही जवाब दिया, हमने इसे टिक कर दिया। नो फिकर नो प्यार, अभी हम जो कि वापस आ गए, ये बच्चे वापस आ गए ड्राइंग करने। ए, इसने सिप को एलिफेंट लिखा है, हाँ, और जो कि थर्मोमीटर को केटल, और फ्रॉग को, चूहे को जो कि फ्रॉग लिखा है, पागल है क्या बच्चा? अरे तुम बुरी तरह से फेल हो चुके हो, और इसने तो सही से लिखा है फ्रॉग। ए हाँ, तो इस पे टिक कर देते है। अरे इसने फिश भी सही से लिखा है, चलो इस पे भी टिक कर देते हैं। हाँ टिक कर देते हैं, ये लड़की होशियार लग रही है, इसने फोर्स भी जो कि सही से लिखा है। ए हाँ, इसे जो कि ए प्लस मिल चुका है, हाँ ये पास हो चुकी है, चलो ये लड़की देखते हैं। इसने तो डियर सही से लिखा है, कैट भी सही से लिखा है, लेकिन काओ की जगह इसने डियर लिखा है। पागल लड़की, सही से लिखो। हाँ अरे अब तो मैं थक चुका हूँ टीचर बनके, चलो अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं पे खत्म होती है, हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।